हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जेई का CBT 1 हो चुका है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कट ऑफ क्या रहेगा। तो काफ़ी एनालिसिस किया है मैंने कट ऑफ के ऊपर, तो और मैं आपको बताना चाहूँगा इस साल की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से जो कट ऑफ कम रहने के चांसेस हैं पूरे पूरे, क्योंकि आपको मैं डिकोड करूँगा अच्छे तरीके से कि इस साल की जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगी, क्या रीज़न है कि कट ऑफ कम रहने का। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसी कट ऑफ की वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ विद कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ लाता रहूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगी और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, फटाफट चलते हैं। देखिए, कट ऑफ में डिपेंड जो करेगी, सबसे बड़े जो मुद्दे होती है वो वैकेंसी का होता है। देखिए, इस साल वैकेंसी आपकी बड़ी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कट ऑफ कम जाने का। ठीक है, अपीयर कैंडिडेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कितने कैंडिडेट जो अपीयर हुए। देखिए, फॉर्म भरना मैटर नहीं करता, अपीयर होना मैटर करता है। आई होप आप ये चीज़ जानते हुए, क्योंकि आप जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, जो कलर का एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी जेई के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो सेलेक्टेड होंगे आप लोग। ठीक है, आपका लेवल बहुत अच्छा लेवल है। एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, ईजी रहा, मॉडरेट रहा, टफ रहा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ जो है एक आइडिया के लिए होती है, हमको आइडिया मिल जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से हमको क्या मिला। केवल आइडिया मैटर नहीं करती है कि इस साल पे भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आइडिया देती है हमको प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स का, देखिए परफॉर्मेंस कैसी दिए कैंडिडेट ने, तो ये मेन मुद्दे हैं जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जिनके ऊपर ये जो है ये मेन पॉइंट है से कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा आप सभी लोगों का। देखिए, 2017 में जो वैकेंसी थी 341 वैकेंसी में, आप देखोगे इस साल जो वैकेंसी है 1601 वैकेंसी है। ठीक है, 1601 वैकेंसी आप लगा ली, कितनी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आपकी वैकेंसी बढ़ी है, आपकी वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई है, इस वजह से आपकी जो कट ऑफ जो है कम जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही भी आता है। अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 2017 में 5.69 लाख अपीयर हुए थे, एग्जाम अपीयर हुए थे, मैं अपीयर होने की बात करूँ। अब इस साल जो अपीयर हुए हैं अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 8 से 9 लाख हम लोग बोल सकते हैं, 8 से 9 लाख जो है अपीयर हुए हैं। ठीक है, और फॉर्म तो तकरीबन जो भरा गया है वो 12.5 लाख तकरीबन फॉर्म भरा गया है, तो अपीयर अप्रोक्सीमेटली इतने हुए हैं 8 से 9 लाख जो अपीयर हुए। ठीक है, अब लोग देखिए एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। पिछले साल तो एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 में इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली जो है इजी टू मॉडरेट सभी थे, और इजी टू मॉडरेट रहा है इस साल का एग्जाम भी, काफ़ी से शिफ्ट रही है और कुछ शिफ्ट मॉडरेट रही है, टफ नहीं रहा, कोई भी मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा होता है, आई होप आप लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का एसएससी के एग्ज़ाम में कितना बड़ा एक रोल होता है। रेलवे के एग्ज़ाम में, NTPC हुआ, ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ, इन सभी में नॉर्मलाइजेशन होना चालू हो गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, कितने ना मार्क्स बढ़ेगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम ईजी आता है, देखिए ईजी टू मॉडरेट आ गया आपका, तो आपके 4 से 8 नंबर मान के चलिए, 4 से 8 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, 9 भी मान लीजिए। ठीक है, कभी कभी 9 भी मिल जाते हैं। मॉडरेट लेवल है 7 से 12, टफ लेवल है 13 से 17। ये मुझे ऐसा लगता है ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग जानते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट हुआ, मॉडरेट लेवल हुआ, टफ लेवल हुआ, ये आप सारे पॉइंट जानते हैं, लेकिन मेरा एक फर्ज है आपको बताना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का ये मुद्दा है। ठीक है, देखिए आपका मान लीजिए आपका शिफ्ट जो है मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, जैसे कि देखने को मिला, तो आपके 12 से 13 नंबर से इंक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए एसएससी जेई जो सीविल की जो कट ऑफ जो है, ठीक है, देखिए 2016 की कट ऑफ और 2017 की कट ऑफ कितनी रही थी सिविल की, हम लोग सिविल की बात करें। ठीक है, सिविल की है। ठीक है, देखिए 200 तो गई थी 2016 में, 2017 में गई 117। क्यों गई, क्योंकि उस टाइम 1500 वैकेंसी थी, 2016 में जो 1500 वैकेंसी थी। ठीक है, और जो है 2017 में कितनी रहेगी, कुल में 350 तकरीबन जो वैकेंसी केवल रह गई। ठीक है, तो अब आप देखिए जनरल की गई थी 100 केवल, 117 गई थी CBT 1 यानी कि 2017 में, ये 2016 की 2017 की, लेकिन 350 तकरीबन वैकेंसी थी 117। जब आपकी वैकेंसीज कम होती है ना तो कट ऑफ बढ़ जाती है। देखिए कट ऑफ क्यों बढ़ती है, भाई देखिए जिसको फॉर्म फिलअप करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिसको अपीयर होना ही होना है, वो तो करेगा ही, उसको फॉर्म भरना है और अपीयर होना ही होना है, चाहे 2 वैकेंसी क्यों ना निकले, 10 वैकेंसी निकले, 20 वैकेंसी कितनी भी निकले, उसको फॉर्म भरना पड़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़नी है, उसको सेलेक्टेड होना ही होना है। ठीक है, उसको ऑफिसर एक बनना ही बनना है उसे। ठीक है, और OBC की देखिए 92.50 हो गया, 110 गई थी 0.75, SC की 84.50,
और 100 एक गई थी, 85.50 एसटी की गई थी, 105 इसकी गई थी एसटी की 2017 में, ठीक है। और ओएस की देखिए एक बार, ओएस की गई थी 72.50, 91 गई थी 0.50, डबल एच की गई थी 40 और 61। देखिए कट ऑफ 2016 में ये रही थी और 2017 में ये रही। मैंने आपको एक पॉइंट बता दी क्यों रही, वैकेंसी कम थी इस वजह से, इस साल इसलिए 2017 में कट ऑफ ज़्यादा गई थी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की डिस्कशन करना जरूरी है, थोड़ी ना कि भाई मैं आपको जो है केवल सिविल का बता के छोड़ दूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की देखिए 115 गई थी, 136.25 गई थी, ठीक है। ये हम बात करें 2016 की, 2017 की, 2016 है ये 2017 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 136 कितना डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं, 115 गई थी 136 गई थी, 136.25 गई थी, ठीक है। ओबीसी के 109.50 और 133.25, एससी के 99, ठीक है, और 101.75। देखिए थोड़ा एससी में डिफरेंस नहीं आया, 94 गई थी 0.550 और 105 इतनी गई है। ओएच की 87.00 और 90.50, एचएच की 54.00 और 61.75। तो ये हमारी कट ऑफ गई थी, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बातचीत चल रही है, ठीक है। ये 2016 की हो गया, ये 2017 की हो गया। और अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। देखिए देखिए मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, कट ऑफ इस साल की कम जाएगी। मैंने आपको इस वीडियो में सारे रीज़न बताए हैं कि भाई कट ऑफ कम क्यों रहेगी, क्या मैंने आपको आपको मैंने अच्छे से बताया कि भाई रीज़न क्या है कि कट ऑफ कम जाने का, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। सारे मेन मुद्दे बताए भाई, कट इस साल जो वैकेंसी भी ज़्यादा हैं, स्टूडेंट लोग अपीयर भी हुए हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट है वैकेंसी जब आपकी कम होती है ना तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज हुई है, बढ़ के आई है सामने, ठीक है, तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। देखिए जनरल की 101 से 105 जाएगी जनरल की, ये एक्यूरेट होगा, ठीक है। आप 100 बेसिक कर लीजिए, 100-100 मान लीजिए, बेसिक जो है राउंड फिगर में 100 से 104-105 कर लीजिए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का तो आप एक या दो नंबर का मैक्सिमम माइनस करके चलिए, ठीक है। मैक्सिमम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, माइनस ही होगा, ये एक या दो नंबर ये देखे चलिए जो है। ओबीसी की 94 से 99, इसमें भी आप एक नंबर कम कर सकते, 93 मान लीजिए बच्चों है, ठीक है, ले देखिए जो का लेगा जो का जो है इतना ही जाएगा, ठीक है। 89.94 और एसटी की 91 से 95, ओएच की 70 से 75, एचएस की 47 से 52, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर होगी कि ये मैंने डिस्कस किया सिविल की, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टफ जानी है आपको, क्योंकि आप जेई लग रहे हो, ऑफिसर बन रहे हो, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है भाई मैकेनिकल की ज़्यादा जाती है, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अब देखिए जनरल के 116 से 121, और इसमें आप मेरे हिसाब से, मुझे जो मैं ज़्यादा पहुँच पा रहा हूँ, आप दो नंबर कम कर लीजिए, दो नंबर कम 114 मान लीजिए बेसिक, ठीक है, 114 कंसीडर कर लीजिए, और 109 से 114 और एससी की 98 से 103 और एसटी की 97 से 100, ओएच की 85 से 90 और एचएच की 54 से 58, ठीक है। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं तो मैं आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ठीक है। और देखिए कट ऑफ जो मैंने आपको ये बताया कि भाई कट ऑफ तो कम जाएगी, मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं भाई, वैकेंसीज का मुद्दा है, पेपर जो है थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से मॉडरेट लेवल ही है, ठीक है, टफ लेवल बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट लेवल ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिविल की बताई है, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हुआ, ठीक है, और ये जनरल की हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच और डबल एच, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।